ठीक है, जैसे कि अपने फ़ोन में हमें नोटपैड चलानी है और किसी भी प्रकार की टाइपिंग करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एक चाहिएगा OTG, ठीक है, इसे अपने फ़ोन में लगाऊंगे हम, जैसे कि हमने कर ली सेट, ठीक है। इसके बाद नोट आएगा हमारा USB, यदि कीबोर्ड चलाना तो सिर्फ एक ही लिए, नहीं तो इसके लिए चाहिएगा USB हब, ठीक है। इसके बाद इसे कनेक्ट करो, इसके बाद ये विंडो देखिए, जैसे कि अब हमारी विंडो ओपन होने की प्रोसेसिंग चल चुकी है, अभी अपलोड होने लग रही है। इसके बाद देखो विंडो स्टार्टिंग का लोगो आपने देख लिया, उसके बाद हमारी विंडो ओपन होने लग रही है, ठीक है। ओपन होगी, इसके बाद ओके करेंगे क्लिक, यहाँ सी का। इसके बाद देखो हमारा विंडो 7 का पूरा डेस्कटॉप आ गया है। इसके बाद क्या करेंगे, हम विंडो में जाएंगे, सर्च बटन पे आके यहाँ लिखेंगे हम, जैसे कि हमें टाइपिंग करनी तो नोटपैड टाइप करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको ये हमारे आगे नोटपैड, ओके, इसको मैं एक्समाइज करने के लिए लिख रहा है। इसके बाद हम यहाँ से कुछ भी लिखना है, जैसे कि हम कुछ भी लिख लेते हैं इसके ऊपर, या ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम इसमें शॉर्टकट की चला के, जैसे कि हमने कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है, कॉपी के लिए दोबारा देखते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी वी, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद फिर देखेंगे हम, ये इसमें कॉपी भी हो गया साथ साथ दिख रहा है फोन में, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको दिखाएंगे कि डाउनलोड कैसे करते हैं हम इसे, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए अब हम जाएंगे, जैसे कि हमारे फ़ोन में पहले से ही आइए, प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाके विंडोज 7 CMU SI इस IMU सिमु, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे कि हमारा, हाँ ये आ गया, ठीक है, ओके करा, ठीक है। जैसे कि हमारे फ़ोन में ऑलरेडी ओपन है ये, जैसे दिखा रहा प्ले करने के लिए, ठीक है। अब हम इसे करेंगे प्ले, तो ठीक है, जैसे कि अब देख रहे हैं आप, प्रेस दोबारा फिर से अपलोड होने लगी है, ठीक है ना। तो देखो हमारा विंडो का सरफेस आ गया है, विंडो 7, ठीक है। अब देखते हैं इसे, हाँ ठीक है, जैसे कि आपने देखा ये ओपन हो गया। इसके बाद अब हम करेंगे इसमें, देखो जूम भी करे हो सकता है ये डिस्प्ले से भी, हाँ। इसमें देखो जैसे कि बैटरी का भी दिखा रहा है हमारा, और इसके बाद दिखें हम वाईफाई, ये रहा वाईफाई, देखो हमारे इसमें पकड़ा हुआ है ब्लैक 5G, हमारा यहाँ वाईफाई है, ठीक है, यहाँ से ये। इसके बाद आप इसमें टाइपिंग कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बिना लैपटॉप के, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अब इसको शट डाउन, देखते हैं कैसे होगा। इसके बाद